हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। हमारे साइंस स्टडी जेके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे गोनोरिया रोग क्या होता है। इससे पहले जो हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। ऐसी मज़ेदार वीडियो हम लाते रहेंगे, तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम पहले जानेंगे कि गोनोरिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये गोनोरिया रोग नाइसीरिया गोनोराई के द्वारा ये उत्पन्न होता है, और इसमें ये जो फैलता है, मतलब ये स्थानांतरित होता है एक से दूसरे में, ये लैंगिक संपर्क द्वारा स्थानांतरित होता है, मतलब नर व मादा के संयुग्मन से ये फैलता है। इसीलिए इसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि ये लैंगिक संपर्क द्वारा ये फैलता है। और इसके लक्षण क्या क्या हैं, ये पहले तो ये जनन नलिका में ये रहता है, ये इसका जो जीवाणु होता है ये जीवाणु जनन नलिका ही में रहता है, और इससे हमारे जनन नलिका के चारों ओर दर्द बना रहता है। और उसके बाद पूरी जानकारी हम इसमें ही देंगे आपको, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। गोनोरिया, ये गोनोरिया रोग जो होता है, सबसे पहले हम देखेंगे ये कैसे ये उत्पन्न होता है। तो ये नाइसीरिया गोनोराई के द्वारा ये उत्पन्न होता है। नाइसीरिया गोनोरियाई नाइसीरिया गोनोराई के द्वारा ये जो बीमारी है ये उत्पन्न होता है। और इसमें हमने जान लिया ये किसके द्वारा ये उत्पन्न होता है। अब इसमें हम ये जान लेते हैं कि ये स्थानांतरित कैसे होता है। तो ये स्थानांतरित कैसे होता है, लैंगिक संपर्क द्वारा। किसके द्वारा होता है, लैंगिक संपर्क द्वारा। जब एक मादा युग्मक और एक नर युग्मक आपस में फर्टिलाइजेशन या उसमें तो कुछ और ही बनता है, लेकिन एक साथ संपर्क में आते हैं, लैंगिक संपर्क में, उसी उसी के द्वारा ये जो बीमारी है ये फैलता है। तो क्या लैंगिक संपर्क द्वारा ये फैलता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि ये रहता कहाँ पर है। तो ये जो जीवाणु है ये जनन नलिका में रहता है। जनन नलिकाओं में रहता है। जनन नलिका यानी इसे हम जेनिटल ट्यूब कहते हैं। इसमें ये रहता है। हमने इतना भी जान लिया ये रहता कहाँ पर है। तो अब हम इसमें जानेंगे कि ये मतलब इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो इसका लक्षण लक्षण जो होता है, ये जो जनन नलिका है
इसके चारों ओर दर्द रहना, जन्नत नलिका के चारों ओर और दर्द, ये एक लक्षण हो गए। और एक लक्षण पाशयुक्त पदार्थ के द्वारा, पाशयुक्त पदार्थ पैदा करता है। उसके बाद मूत्र निष्कासन के समय दर्द, जलन, ये सब इसके लक्षण में आते हैं। लक्षण है। अब इसमें हम जो औषधि का प्रयोग करते हैं, मतलब प्रतिरक्षी, इसे प्रतिरक्षी क्या है वो हम जान लेते हैं। इसमें ये जो बीमारी है, इसकी ये बीमारी को सही करने के लिए हम पेनिसिलिन, पेनिसिलिन और एम्फिसिलिन, ये दो औषधि होता है पेनिसिलिन व एम्फिसिलिन का प्रयोग प्रयोग तथा इसमें उच्च उच्च चारित्रिक लक्षणों का वाहन करके ये जो रोग होता है इसका उपचार किया जाता है। ये तो दवाई तो रहता ही है, प्रयोग में रहता है, इसके अलावा भी क्या करते हैं हम, उच्च चारित्रिक लक्षणों का वाहन करके ये जो बीमारी है इसका उपचार करते हैं। और जो ये जो रोग होता है इसको हम बैनरल रोग या लिंग स्थानांतरित रोग भी कहते हैं। इसको हम, ये जो रोग होता है, यह रोग, यह रोग, ये जो रोग है ये बैनरल रोग जिसे हम बैनरल डिसीज और दूसरा हो गया, दूसरा जो रोग है वो हो गया लिंग स्थानांतरण, स्थानांतरित रोग जिसे हम STD कहते हैं। ये दो रोग भी हैं, यह रोग बैनरल रोग या लिंग स्थानांतरण रोग यानी STD है। तो हमने पूरा जाना गोनोरिया के बारे में। ये नाइसीरिया गोनोराई के द्वारा ये उत्पन्न होता है, लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलता है। ये जो जीवाणु होता है ये जनन नलिका में रहता है
इससे जनन नलिका के चारों ओर दर्द रहता है, पाशुक पदार्थ पैदा करता है, मूत्र निष्कासन के समय जलन होता है। और इसके उपचार के लिए हम प्रतिरक्षीकरण, यहाँ पर हम प्रतिरक्षीकरण लिख देते हैं। प्रतिरक्षीकरण, और ये हो गया हमारा लक्षण। ये क्या है लक्षण? ये है प्रतिरक्षीकरण। तो हमने पूरा जाना कि इसमें क्या होता है। ये हो गया हमारा प्रतिरक्षीकरण, रह गया था। इसका उपयोग करते हैं हम क्या, किसके द्वारा? पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन का प्रयोग करते हैं, और उच्च चारित्रिक लक्षणों का वाहन करके इसका उपचार किया जाता है। और ये जो रोग होता है, ये बेनेडियल रोग भी होता है और लिंग स्थानांतरण रोग भी कहलाता है। तो हमने पूरा वीडियो को हमने डीपली समझा कि क्या होता है कि नहीं दोस्तों। तो इसी के साथ हम चलते हैं, दूसरे वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।